Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the series of Advanced Java we are going to start with another program. In the last video we have seen the program of addition. हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था सर्वलेट का, जिसमें हम लोगों ने एडिशन का प्रोग्राम रन कराया था, और लास्ट जो प्रोग्राम था, लास्ट जो वीडियो था, उसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से था कि हम लोग दो नंबर्स को एंटर करा रहे थे ब्राउजर पे और हमें उसका आउटपुट मिल रहा था। ये काम हमने सर्वलेट्स के थ्रू किया था। आप देख सकते हैं addition.html की फाइल में हमने एंटर की है वैल्यूज, और यहाँ पर हम जब सबमिट कर रहे हैं तो हमें एड क्वेश्चन मार्क नम वन एंड नम टू इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि एड हमारा एक्शन था जो हमने एक्शन दे रखा था। इस वीडियो को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और इस प्रोग्राम को समझें। अभी हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, एक और सर्वलेट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली वेब पेज पे जाके न्यू HTML फॉर्म हम बनाएंगे, और यहाँ पर हमने एक न्यू HTML फॉर्म क्रिएट कर लिया है। से यहाँ पर हम add_add2 नाम से एक फाइल बना रहे हैं। यहाँ हम लोग फिर से एडिशन को फॉर्म करने जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज सेंड रीडायरेक्ट। अभी तक हम लोगों ने जो एडिशन परफॉर्म किया था वो एक नॉर्मल सर्वलेट का एडिशन था। यहाँ पर हम लोग सेंड रीडायरेक्ट का यूज करके एडिशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारी जैसे कि फाइल है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर हमें सिंपली दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होंगे नंबर इनपुट कराने के लिए। यहाँ पर देखिए मेन चीज ये, हम लोग एडिशन करना नहीं सीख रहे, हम लोग सीख रहे हैं जावा में सर्वलेट का यूज करके किस तरीके से इन सारी चीजों को किया जाता है। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है सेंड रीडायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सेंड रीडायरेक्ट टाइटल दे दिया है, और सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू हम लोग करेंगे एडिशन। तो हमें नया कंसेप्ट ये सीखना है कि वॉट इज सेंड रीडायरेक्ट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बॉडी में आके एक फॉर्म क्रिएट करेंगे पहले की तरह। सेव करते चले अपनी फाइल को, और ये देखिए इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इनपुट करा लेंगे। यहाँ पर हम एक्शन में एड टू इस बार दे देते हैं, और मेथड हम लोग पोस्ट यूज कर लेते हैं। गेट और पोस्ट में यही डिफरेंस है कि जब हम गेट के थ्रू इनपुट करा रहे थे चीजों को, तो हमको ब्राउजर पर आउटपुट में URL पर दिख रहा था कि हमने क्या क्या वैल्यूज इनपुट कराई है, बट पोस्ट में वो वैल्यूज नहीं दिखेंगी। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस है डिफरेंट लेक्चर्स में सीरीज के, तो आप उन वीडियोस को प्लीज देख लें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के लिए दो टेक्स्ट बॉक्सेस दे रहे हैं, जिसमें नम वन नम टू लिया है, और सबमिट बटन एक सिंपल सा ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखिए एड टू दिया है, तो हम यहाँ पर web.xml में जाके इसको पहले से मैप करा देने के लिए क्रिएट कर देते हैं। इस चीज को मैं दोबारा से कॉपी कर रही हूँ बिकॉज ये सेम ही रहने वाला है, तो हमें वापस से सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हमें एक सर्वलेट क्रिएट करनी होती है, जब भी हम कोई सर्वलेट क्रिएट करते हैं, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग इन दो टैग्स को यूज करना कंपलसरी है। वी हैव टू मैप द सर्वलेट, वी हैव टू मैप द इनपुट फाइल विद द सर्वलेट फाइल, HTML फाइल, और दो बोथ कैन बी सर्वलेट्स। तो यहाँ पर हम लोग सेंड रीडायरेक्ट का यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमने एडिशन, यहाँ नेम हम चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ सपोज नेम दे दिया है एड इस बार सर्वलेट नेम, वो दोनों अलग होने चाहिए। तो फर्स्ट सर्वलेट का हमें एडिशन दिया था, यहाँ पर सेम ना हो इसलिए हमने इसे ऐड दे दिया है। अभी यहाँ पर हमने सर्वलेट अपनी क्रिएट नहीं करी है, यहाँ पर मैं ऐड सर्वलेट टू नाम दे देती हूँ, जिस नाम से मैं सर्वलेट क्रिएट करूंगी, और आप चाहें तो पहले सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, बट वी हैव टू मैप इट। तो हमने यहाँ पर ऐड टू दे दिया, और यहाँ पर इस तरीके से ऐड सर्वलेट टू हमारी सर्वलेट का नाम होगा, और ऐड टू जो है वो हमारा एक्शन है इस बार। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, फ्रेमवर्क जो पैकेज है हमारा सोर्स पैकेज, इसमें आके हम एक नया जावा क्लास की एक फाइल बनाएंगे, और इस जावा क्लास का नाम हमें देना होगा एड सर्वलेट टू, बिकॉज एड सर्वलेट हम लोग यूज कर चुके थे, हमने एड सर्वलेट टू लिया है, और ये हमारी फाइल ओपन होके आ गई है। आई एम जस्ट रिमूविंग द कमेंटेड सेक्शन बिकॉज वी डू नॉट नीड इट। सो यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं कि हम जब भी सर्वलेट क्रिएट करते हैं, वी हैव टू एक्सटेंड HTTP सर्वलेट क्लास, HTTP सर्वलेट को हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे, और जैसे हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे यहाँ हमारा मेथड इम्पोर्ट हो जाएगा, क्लास इम्पोर्ट हो जाएगी, और ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत ईजी है, और ये आपको हर बार करना होगा। इसी तरीके से हम लोग पब्लिक void
आप अपना सर्विस मेथड यूज करेंगे, और सर्विस मेथड में हम लोगों को HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेना होगा। और इसके लिए हमने रिक्वेस्ट के लिए RQ ले लिया है, और इसी तरीके से HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स हमने ले लिया है, और इसके लिए हम लोग RES ले लेंगे। अभी यहां पर इसको हमने क्रिएट कर लिया है, यहाँ स्पेलिंग एरर है, अब आप देख सकते हैं ये आ गया है, और इसको हम लोग ले लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आप कंट्रोल और स्पेस बार के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, जब ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट ना हो तब हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का यूज किया है, तो आप देख सकते हैं मेथड आ गया है। इट्स वेरी इजी, आप बिल्कुल घबराएं ना, जब ये तुरंत से कैश नहीं करता है, इसको सिंपली हम लोगों को कंट्रोल, जब भी जहां एरर आए वहां कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट करने लगता है नेटबीन्स पर। अब देखिए यहां पर भी हमें वही काम करना है कि हमें इन दोनों की वैल्यू को यहां लाना है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को हमें सर्वलेट पर लाके ऐड कराना है। बट यहां पर हम लोग जो क्रिएट करेंगे उसको हम लोग एडिशन करने के बाद, क्योंकि हम लोगों को यूज करना है सेंड रिडायरेक्ट का, तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से दो सर्वलेट्स को कनेक्ट किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन किया था तो सिर्फ एक HTML पेज को सर्वलेट से लिंक किया था, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट टू सर्वलेट्स एंड वी हैव टू लिंक देम। तो यहाँ हमने फॉर्म लिया था, अब हम सिंपली जो फॉर्म का डेटा इस पे लाने के लिए काम किया जाता है वही सेम काम करेंगे। हम लोगों को सपोज हमने इंटीजर i=integer.parseInt रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर में हमने पैरामीटर अपना पास कर दिया num1। इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जे के लिए, जे की वैल्यू के लिए। तो अब की बार हम ये काम करेंगे कि पहले एक सर्वलेट में हम दोनों ही वैल्यूज का एडिशन कराएंगे, और उसके बाद एडिशन कराने के बाद हम यहाँ पर सपोज इंट के इक्वल्स जो हमने i+j किया है, और इसको प्रिंट ना करा के हम इसको नेक्स्ट पे रीडायरेक्ट करेंगे, नेक्स्ट सर्वलेट पे, और उसका स्क्वायर करवाएंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमको एडिशन कराने के बाद इस के की वैल्यू को नेक्स्ट सर्वलेट पे सेंड करना है, और उस नेक्स्ट सर्वलेट पे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमने सपोज SQ नाम से स्क्वायर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, और के हमने यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर के लिया है, के जो था के में हमारी एडिशन की वैल्यू आ रही थी, मतलब होगा क्या अगर 2+3 है तो 5 का स्क्वायर होके हमें नेक्स्ट पेज पे मिलने वाला है। इस काम के लिए हमने यहाँ पर सेंड डायरेक्ट का यूज किया है। अभी हम सपोज इक्वल का साइन भी लगा देते हैं, और यहाँ पर हम एड प्लस का साइन, सॉरी कॉन्कैटिनेशन के लिए लगा के k की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ये काम हमको करना होगा जब हमें सेंड डायरेक्ट का यूज करना है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट सर्वलेट तैयार है, ये हमारा फर्स्ट HTML पेज था जिसके थ्रू हम लोग इसको इस पे वैल्यूज भेज रहे थे। web.xml में हमने इसे ऑलरेडी मैप करा रखा है। अब हम अपने थर्ड पेज पर जाएंगे जो कि हमारा सर्वलेट होगा, एक अनदर सर्वलेट, जो हम काम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें दो सर्वलेट को लिंक कराना है। तो हमने एक फिर से जावा की क्लास क्रिएट की, यहाँ आप देख सकते हैं जावा क्लास सेलेक्ट किया आपने, और इसका नाम हम रख देते हैं SQ सर्वलेट फॉर स्क्वायर, क्योंकि अब की बार इस सर्वलेट के अंदर हम लोग स्क्वायर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम लोग को सिंपली हमने यहाँ SQ सर्वलेट ले लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। कमेंटेड पोर्शन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब आप देखिए क्योंकि हमें फिर से वही काम करना है, इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड HTTP सर्वलेट को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ये सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाए, और ये हमारी फाइल सर्वलेट बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी थर्ड सर्वलेट जो sqservlet.java था इसमें अपना क्लास को एक्सटेंड कर लिया है HTTP सर्वलेट से, और पब्लिक वर्ड डू गेट का यूज किया बिकॉज वी आर यूजिंग यर गेट। अभी तक लास्ट वीडियो में हम लोग ने सर्विस का यूज किया था, बट अब हम लोग गेट, डू गेट और डू पोस्ट को भी यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने गेट का यूज किया है, और हमने यहाँ पर चूंकि गेट का यूज किया था
फॉर्म में, तो अब हम यहाँ पर डू गेट का ही यूज करेंगे। और सिमिलरली हम यहाँ पर भी सर्विस सर्विस की जगह डू गेट का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम लोग डू गेट का ही यूज करेंगे लाइक दिस। सो यहाँ पर दोनों में हमने डू गेट का यूज किया है बिकॉज हमने यहाँ गेट यूज किया। अगर हम पोस्ट यूज करते तो हम यहाँ पोस्ट डू पोस्ट और डू पोस्ट यूज कर सकते थे। दूसरी चीज यहाँ पर सर्विस का भी हम यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू इलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ डू गेट सो दैट वी आर यूजिंग इट। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें चाहिए कि जो इंटीजर है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो हमने यहाँ इंटीजर आई एक ले सकते हैं, हमें अपने स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली चाहिए थी जो कि वेरिएबल के में थी, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली के ही ले सकते हैं। और इसमें हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट और इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और इसके अंदर हमने के की वैल्यू पास करी बिकॉज हमारा जो सेंड रीडायरेक्ट वर्क कर रहा था वो सेंड रीडायरेक्ट में क्या हम पास कर रहे थे, हम यहाँ स्क्वायर के साथ के पास कर रहे थे, ये प्लस के करके पास किया हमने। तो ये जो के की वैल्यू है वो हमें यहाँ मंगानी थी क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास ये सर्वलेट है, ये फॉर्म नहीं है। जब हमारे पास फॉर्म था तो फॉर्म में हम नम वन नम टू ले रहे थे, तो हमने यहाँ पर पैरामीटर में नम वन और नम टू लिया। बट इन द केस कि अब हम यहाँ पर एसक्यू में स्क्वायर पास कर रहे हैं, ये हमारा यूआरएल पैटर्न है। जैसे कि यहाँ पर यूआरएल पैटर्न जो था हमारा एड टू था, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा यूआरएल पैटर्न जो है वो एसक्यू है। तो हमने के की वैल्यू पास की है तो यहाँ पर वैल्यू के में है, तो हमने यहाँ पर गेट पैरामीटर में के लिया। अब हम सिंपली के इक्वल्स टू के इनटू के कर देंगे तो हमें स्क्वायर मिल ही जाएगा और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा लेंगे। और प्रिंटिंग के लिए मेथड आप जानते हैं बिकॉज हम लोग पिछले बार हम लोग ये कर चुके हैं। तो हम प्रिंट राइटर क्लास को यूज करेंगे और प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद रेस डॉट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर और गेट राइटर यहाँ पर हम आउट को यूज करने वाले हैं। ये हमारा आउट जो ऑब्जेक्ट है आउट के थ्रू इसको प्रिंट करा लेंगे। सो आउट डॉट प्रिंट एलएन और इसके अंदर हम लोग सिंपली पास कर देंगे रिजल्ट की वैल्यू। रिजल्ट हमारा यहाँ पर स्क्वायर होके आ रहा है तो स्क्वायर हमको मिल जाएगा और प्लस किसमें वैल्यू है के, तो हम सिंपली के को प्रिंट करा लेंगे। ये हमारे तैयार है बट द थिंग विच इज मिसिंग इज वॉट, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं और जो मिसिंग है वो है वेब डॉट एग्जाम्पल में हमने एसक्यू सर्वलेट को मैप नहीं कराया है। बिकॉज आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सर्वलेट क्रिएट करते हैं वी हैव टू मैप इट। तो यहाँ पर अब हम सर्वलेट का नाम फिलहाल एसक्यू ही दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेम सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एसक्यू दिया सर्वलेट मैपिंग के लिए। यहाँ पर अब हमारा जो नाम है सर्वलेट का वो है एसक्यू सर्वलेट, तो हम यहाँ पर एसक्यू सर्वलेट दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं एसक्यू सर्वलेट को हमें मैप कराना है और यहाँ पर यूआरएल पैटर्न जो है वो है एसक्यू। व्हाट इज द यूआरएल पैटर्न, कहाँ से एसक्यू मिला हमें, एसक्यू मिला यहाँ से, ये जो हमने दिया था ये क्वेश्चन मार्क के साथ, ये हमारा यूआरएल पैटर्न था। तो यहाँ पर हमें वेब डॉट एग्जामल वाली फाइल में यूआरएल पैटर्न के अंदर ये स्लैश एसक्यू ही देना होगा। अब ये हमारी तीनों फाइल्स आपस में लिंक हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सेंड रीडायरेक्ट को यूज करने वाले थे तो हमने सबसे पहले एक फॉर्म बनाया जिसमें कि हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं नम वन नम टू नाम के, जिसमें कि नंबर्स इनपुट होंगे, सबमिट बटन दिया है और मेथड गेट है। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म होगा और एक्शन एड टू पर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वेब डॉट एग्जामल जो एड टू है यूआरएल पैटर्न वो लिंक है एड सर्वलेट टू से, तो एड सर्वलेट टू पे तुरंत आ जाएगी हमारी हमारा फाइल आ जाएगा सर्वर और यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होगा नम वन नम टू का, जो की वैल्यू जो है आई और जे में स्टोर होके के इक्वल्स टू आई प्लस जे हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंटिंग ना होके हम सेंड रिडायरेक्ट का यूज करने के लिए रेस जो कि इसका अपने ऑब्जेक्ट बनाया था रिस्पॉन्स का एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स का, रेस डॉट सेंड रिडायरेक्ट जो हमारा प्री डिफाइंड मेथड है इसके अंदर एक हमने यूआरएल पैटर्न एसक्यू लिखा है। आप एसक्यू के अलावा जो भी लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वेरिएबल देकर प्लस वेरिएबल देंगे, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल दिया है। अब हम इसको एसक्यू यूआरएल पैटर्न है तो जैसे ही हम इस फाइल को रन कर ये फाइल रन होगी तो यहाँ पर ये एसक्यू को सर्च करेगा, एसक्यू को सर्च करने के लिए वेब डॉट एग्जामल में जाएगा, तो इसको यहाँ पर एसक्यू जो यूआरएल पैटर्न है वो एसक्यू सर्वलेट से मैप मिलेगा। ये आप यूआरएल पैटर्न देखिए और ये देखिए क्लास मैप जिससे है, तो ये नेम जो होता है यहाँ पर सेम लिखते हैं और यूआरएल पैटर्न जो है सर्वलेट क्लास से मैप होता है। तो यहाँ फ्रेमवर्क के अंदर एसक्यू सर्वलेट में ये तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे रिडायरेक्ट होगा यहाँ के की वैल्यू को गेट करके आई में स्टोर करा लिया गया, के में स्टोर करा लिया गया
और के इक्वल्स टू के इंटू के करके इसका स्क्वायर करके प्रिंट राइटर के थ्रू उसको प्रिंट करा लिया गया। तो चलिए अब हम अपनी फर्स्ट फाइल को रन कराएंगे इसके लिए। तो हमारी फाइल थी एड टू, हमने इसको सिंपली रन कराया और रन कराते ही ये ब्राउजर ओपन होके आया है यहाँ पर। और अब ब्राउजर पर देख सकते हैं हमारे दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, एड टू डॉट एच टी एम एल की फाइल है। सपोज हम यहाँ कुछ भी नंबर देंगे, सपोज 213 दिया तो इसका एडिशन सबसे पहले होगा जो कि 5 है, बट वी डोंट नीड द एडिशन, वी नीड द स्क्वायर। तो 25 इसका वैल्यू आना चाहिए। अब यहाँ पर 10 आ रही है वैल्यू, 10 वैल्यू आ रही है जबकि हमारी वैल्यू 25 आनी चाहिए। 2 and 3, 5, 10। तो इट मीन्स यहाँ का कंफ्यूजन है, यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया था इस वजह से वो ऐड हो रहा है, और हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा भी। तो अब हम वापस से जा रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, और यहाँ पर सपोज मैंने 7 और 2 दिया तो यहाँ पर 81 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर आ रहा है कि इक्वल्स टू 9, 9 का स्क्वायर होकर 81 मिला है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप देखिए कभी भी हम एक सर्वलेट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है सर्वलेट के लिए वो होती है कि हमें सर्वलेट को web.xml की फाइल में मैप कराना होता है। तो हमने सर्वलेट को web.xml में मैप कराया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड टू फाइल थी जिसको हमने, जिसका एड टू नाम का एक्शन था जो कि web.xml में हमने मैप कराया था, और यहाँ पर web.xml में एड टू मैप था। उसके बाद ये मैप था आपका एड सर्वलेट टू से एड सर्वलेट टू पर गया था, उसके बाद इसको स्क्वायर sq से मैप कराया था। तो web.xml में sq मैप था sq सर्वलेट से और यहाँ आके परफॉर्म हो रहा था। तो बेसिकली जब भी हम एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो सर्वलेट के साथ हमें मैपिंग करानी होती है web.xml में, और वो हम कराएंगे हर बार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक टू दिस वन, और आप सभी लेक्चर्स को देखते चलें एक सीरीज में ताकि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पेमवर्ड एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको चैनल के अपलोड्स मिलते रहें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है पेमवर्ड एजुकेशनल हब का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और तुरंत ज्वाइन करिए पेमवर्ड एजुकेशनल हब के व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि वहां पर और भी एडिशनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड।